भगवान श्री कृष्ण जी के जब पैरों में बाण लगा था तो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो जरा नाम का व्यक्ति ने हिरण की आँख समझकर बाण चला दिया, तो जाकर श्री कृष्ण जी के पैरों में लग गया। तो वो जगह कौन सी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे? आज भी वो पेड़ मौजूद है जो भालका तीर्थ में पड़ता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और वो जरा नाम का व्यक्ति जो अभी क्षमा मांगते हुए दिखाई देगा। तो चलिए आप और हम देखते हैं भालका तीर्थ। तो अभी हम पहुंच गए हैं भालका तीर्थ, और भालका तीर्थ में यहाँ हम लोग कृष्ण जी के दर्शन करेंगे। और यहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे कृष्ण जी, यहीं पर आखिरी सांस लिए थे। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं और देखते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, और यहीं पर उनको पैरों में आकर तीर लगा था। तो ये भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जो सोमनाथ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर पड़ता है भालका तीर्थ। तो सामने देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के सामने जारा नाम के व्यक्ति क्षमा मांगते हुए आपको दिखाई देगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी यहीं इसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी जारा नाम के व्यक्ति ने तीर चला दिया। ये जो सामने आपको पेड़ दिख रहा है, इसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण जी। और उसके बाद यहाँ से तीर लगा तो गए थे त्रिवेणी संगम। तो चलिए वो भी आपको त्रिवेणी संगम भी दिखाएंगे। अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ तीन नदियों का संगम है। जब भगवान श्री कृष्ण जी को पैर में तीर लगा था, तो भालका तीर्थ से चलकर लगभग 3 किलोमीटर पर दूर पर का है त्रिवेणी संगम, जो यहाँ पर यहीं से भगवान श्री कृष्ण जी वैकुंठ में चले गए थे। तो त्रिवेणी संगम इसको बोला जाता है, जो सोमनाथ से लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। तो यह त्रिवेणी संगम है जो भगवान श्री कृष्ण जी यहीं से वैकुंठ चले गए थे। तो ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण जी, राधे राधे।